viewers, friends, welcome to our very new show and a very unique show, Property Talk with Hammad Mehmood, only on Asian Trade TV, जिसका आज हम बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं, जो आप हर सैटरडे को रात 9 बजे एशियन ट्रेड टीवी के प्लेटफॉर्म से देख सकेंगे, जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि पाकिस्तान का सॉफ्ट और लिबरल इमेज उजागर करना और पाकिस्तान का जो बूमिंग सेक्टर है, सबसे ज्यादा बूमिंग सेक्टर इस वक्त रियल स्टेट का सेक्टर है, जिसमें अराउंड जो स्टैटिस्टिक्स जो फिगर्स दे रहे हैं, अराउंड 300 टू 400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो है इस सेक्टर के अंदर मौजूद है, और जिसमें बहुत एक अहम फैक्टर ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं और जो अपने एतमाद का इजहार करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करते हैं और बड़ी ही एक महफूज इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर के अंदर। तो ये इस शो का बाकायदा और ये अपने अंदाज में एक यूनिक शो होगा, जिसमें तमाम एस्पेक्ट जो है रियल स्टेट के हवाले से, पाकिस्तान प्रॉपर्टी मार्केट के हवाले से हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वेयर टू इन्वेस्ट, किन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करें, आप बहुत इसमें एस्पेक्ट्स में, इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, डिफरेंट अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स हैं, हॉलिडे इवन के, अब तो बहुत ज्यादा जो मैं एक ये कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ कि पाकिस्तान जो हॉलिडे होम्स में इंटरनेशनली तौर पर, तो वो दूसरे कंट्रीज में हॉलिडे होम्स लेते ही थे, उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे, पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है। तो आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, ये जो हम पहला प्रोग्राम आज कर रहे हैं, तो हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त गेस्ट हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है, आमिर शाह साहब ने मोस्ट वेलकम कहेंगे, सीईओ हैं स्टेट कैसल के और स्काई मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मार्केटिंग के हवाले से बहुत अहम है। तो आमिर शाह साहब को पहले हम वेलकम कर, आमिर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच हमाद भाई कि आपने मुझे इनवाइट किया इस बहुत अच्छे जबरदस्त शो पे, और मैं आपका बहुत निहायत मशहूर हूँ, और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी आपके ओवरसीज हम दोस्त हैं, भाई हैं हमारे जितने भी रहते हैं, उनके लिए जो भी हमारी खिदमात दरकार होंगी तो हम देने को भी तैयार हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आपके इस वीडियो शो के थ्रू, जो प्रोग्राम आपका है इसके थ्रू, जो भी इंफॉर्मेशन जो उनको लोग नहीं बताते वो हम इस के थ्रू आपको जो है ना वो कन्वे कर देंगे, और इंशाल्लाह उनको काफी हेल्प मिलेगी इस सिलसिले। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थोड़ा सा काइंडली हमारे अगर व्यूवर्स को बता सके, प्राइम मिनिस्टर की जो हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कीम जो बहुत ज्यादा खबर जो है उसमें लोगों को, ओवरसीज जो है कम्युनिटी के हमारे दोस्त हैं, बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट भी रहता है, और अब जो हम ये सुनने में आए हैं कि एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मोर देन 300 बिलियन की जो रकम है वो लोन की मद में जो है बैंकों ने अदा भी कर दी है, तो उस हवाले से आप जरूर हमें को इंफॉर्मेशन पास ऑन जरूर करें कि लेटेस्ट अपडेट्स उस प्रोजेक्ट में क्या है। जी, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आते ही जो ना उसको, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान में घरों की शॉर्टेज है और लो कॉस्ट हाउसिंग स्पेशली जो ना वो एक नीड ऑफ द आवर है, तो उसने उन्होंने जो है ना वो इसमें स्पेशल इंसेंटिव दिए, मतलब 5% 7% मार्कअप के ऊपर जो है ना बैंक्स को बाउंड किया कि आप 5 to 15% मिनिमम डिपॉजिट का आप जो है ना हाउसिंग फाइनेंस कराएंगे। उस सिलसिले में बहुत से लोगों ने जो है ना वो इसमें इंटरेस्ट लिया और बहुत सी फाइनेंसिंग हुई, तकरीबन अभी तक जो फिगर आ रही है स्टेट बैंक की तरफ से वो 300 बिलियन प्लस रुपीज जो है ना वो डिस्पर्स हो चुके हैं और मजीद भी हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी जगह है जहाँ के पॉपुलेशन आपको पता है काफी ज्यादा है ना, ऑलमोस्ट 22 मिलियन पॉपुलेशन है, तो 7 लाख घरों की हर साल नीड होती है, मतलब नए घरों की, तो उस लिहाज से भी जो 50 लाख 5 मिलियन घरों का प्रोग्राम था वो तो कंप्लीट नहीं हो सका, लेकिन काफी हद तक बैंक्स की फाइनेंसिंग की वजह से उसमें जो है ना मतलब कमी आई है और वो जो डिमांड है ना वो पूरा होने जा रहा है, तो ये बहुत खुशायंद बात है और प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं कहता हूँ मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उससे रियल स्टेट इंडस्ट्री में भी बूम मिला है, जॉब्स जो है ना भी बहुत क्रिएट हुई हैं, तो मैं बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ इस सिलसिले में। अच्छा, एक बहुत ज्यादा कंसर्निंग इशू जो गवर्नमेंट ने सुनने में आया है कि जो टैक्स भी लगाया है रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर और जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं उन्हें भी रेगुलराइज कर रही है, तो उससे भी कोई आपको फर्क नजर आया है कुछ बिजनेस में रियल स्टेट सेक्टर की तरफ, कुछ उसका भी? जी, एक्चुअली इस तरह है कि जो टैक्स था ना वो हर 5 साल के बाद जो है ना 3 से 5 साल के बाद रिवाइज होना था, क्योंकि जो
टैक्स होता है ना, टैक्स आपके मार्केट वैल्यू के ऊपर लगता है। इधर पाकिस्तान में इस तरह होता है कि एक मार्केट वैल्यू होती है, एक डीसी वैल्यू उसको बोलते हैं। डीसी वैल्यू वो होती है जो कि मतलब है कि एक चीज लेट से 10 मिलियन की है तो डीसी वैल्यू उसकी होगी 5 मिलियन, मतलब उससे नीचे आप नहीं उसको कर सकते डॉक्यूमेंटेशन उसकी, उसके ऊपर टैक्स लगता है। वो रिवाइज होना होता है प्राइस। अब प्राइस हो गई है ऑलमोस्ट डबल, बल्कि ट्रिपल हो गई कई जगहों पे, और जो टैक्स था ना वो वही जो परसेंटेज लगाई थी लेट से 5% था, 2% था या 5%, वो रिवाइज नहीं हुआ था। तो अब गवर्नमेंट ने ये फील किया कि चूंकि प्राइस प्रॉपर्टी की हो गई है ट्रिपल और टैक्स वही है तो इसको हम रिवाइज कर देते हैं। उससे फर्क तो पड़ता है, क्योंकि देखें आप एक चीज जो आज खरीद रहे हैं, यहाँ पर 10 मिलियन की कोई चीज खरीदते थे तो आप 2 लाख रुपए मतलब है कि उसमें टैक्स देते थे, ठीक है। अब आप और आप वो उसकी मार्केट वैल्यू उस वक्त थी 10 मिलियन, अब उसकी वैल्यू है 30 मिलियन, अब आपको वो टैक्स ना वो 30 मिलियन के हिसाब से देना पड़ेगा। तो बिजनेस पे फर्क पड़ेगा जरूर, लेकिन गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स भी एक बहुत अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप उस हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि जो एनकरेजमेंट आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर अपार्टमेंट्स के हवाले से भी और ओवरसीज से भी एक बहुत बड़े, मेरा जो एस्टिमेटेड है जो ओवरसीज कम्युनिटी की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है मेरे ख्याल में कि रियल स्टेट सेक्टर में वो बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत से एक्सपोज भी हम बहुत से प्रोजेक्ट्स की इंटरनेशनली तौर पर भी देखते हैं। तो अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी आपकी क्या राय है? ये जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया ना प्रॉपर, तो उसके बाद से रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा मतलब इनकरेज किया इन्वेस्टर्स को, और बहुत से ओवरसीज के इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर आए और इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट में, अपार्टमेंट्स में भी, कमर्शियल में भी। तो मेरे ख्याल में जो अपार्टमेंट्स है ना वो ओवरसीज के लिए इंतहाई बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और अभी भी इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मतलब अभी प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं लेकिन बावजूद इसके इसमें भी पोटेंशियल है। बस सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा प्राइस को कंट्रोल नहीं किया, जैसे कि सीमेंट और स्टील ये दो मेन प्रोडक्ट हैं जो कि आपको पता है बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, ठीक है। उसकी प्राइस ट्रिपल हो गई, मतलब आज से 3 साल पहले जो सीमेंट का बैग 300 पे था इस वक्त वो 750 प्लस पे है, और इस तरह स्टील जो था वो 60-70-80,000 पे पर टन था, वो 200,000 प्लस पे चला गया। उससे फिर ये होता है कि उससे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, और जो बिल्डर होता है ना, बिल्डर को जब पोटेंशियल नजर नहीं आता इसमें मार्जिन, मार्जिन जब नजर नहीं आएगा तो वो इन्वेस्ट मजीद नहीं करेगा। जिन्होंने कर दिया है, अब मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, अब उसको तो मैंने कंप्लीट करना है क्योंकि मैंने उसकी बुकिंग की है, लेकिन जब दूसरा प्रोजेक्ट मैं करूंगा ना तो मैं सोचूंगा कि आया मैं ये प्रोजेक्ट करूं या ना करूं, क्योंकि प्राइस तो रियल एस्टेट की वही है ना, मतलब जैसे 7-8,000 पर स्क्वायर फुट हम सेल करते हैं, वो प्राइस नहीं बढ़ी और कॉस्ट बढ़ गई। तो मैं ये कहता हूं कि अब अगर स्टील और सीमेंट की प्राइस को रिड्यूस करें या इसको सब्सिडाइज किया करें ना तो ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री मजीद भी बूस्ट हो सकती। जी जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। कुवत खरीद तो आपकी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जो आपके कंज्यूमर है उसकी कुवत खरीद तो वही ही है, तो वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप जब आप अनाउंस करते हैं, मतलब मोस्टली आई थिंक सो 5 इयर्स के आपके 5 इयर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो तो जारी बात आपने एक बार अनाउंस कर दिया तो वो आपने कंप्लीट करना ही है। अच्छा, आप मार्केटिंग के हवाले से, रियल स्टेट की मार्केटिंग बहुत ही देख रहे हैं कि ग्रो कर रही है पाकिस्तान में, तो आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं और जो टूल्स आप उसे किस तरह जो आजकल के जो टूल्स हैं मार्केटिंग के जिसमें सोशल मीडिया भी आ गया, आपका इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, यूट्यूब आ गया, तो आप इसे किस तरीके से मतलब अपना जो क्लाइंटेल है उसे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी उसे उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत एक अहम शोबा है रियल स्टेट मार्केटिंग का, उसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? मार्केटिंग हमारा जो मार्केटिंग कंपनी है ना वो हमारा आजकल जो है ना आजकल मार्केटिंग डिजिटल पे हो गई सारी, मतलब सोशल मीडिया हमारा मेन प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि आपने बता दिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप और डिफरेंट फेसबुक, स्पेशली फेसबुक ना, सबसे ज्यादा फेसबुक के ऊपर हम करते हैं मार्केटिंग, और उसके बाद ये बाकी इंस्टा और डिफरेंट उस पर ना ट्विटर पे भी करते हैं। तो सोशल मीडिया जो है ना वो उसका मेन जो है ना वो समझे कि ट्रिगर करता है मार्केट को, मतलब आपने अगर मार्केटिंग करनी है कोई भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं ना तो हम सबसे पहले सोशल मीडिया को कवर करते हैं,
इवन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इतनी वैल्यू नहीं रही जितनी की सोशल मीडिया की है। तो हमारा मेन जो है ना वो टूल जो है ना वो सोशल मीडिया। अच्छा, ये आप जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में भी या पाकिस्तान से बाहर भी जो आपकी क्लाइंटेल है वो ज्यादा रेजिडेंशियल की तरफ है या कमर्शियल की तरफ ज्यादा उसका ट्रेंड है? जो ओवरसीज क्लाइंट्स होते हैं ना वो मेजॉरिटी जो ना रेजिडेंशियल की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर एक घर चाहिए होता है ना या अपार्टमेंट। तो उनका ये होता है कि वो ये सोचते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट पे या मतलब इस तरह प्लॉट ले लें इंस्टॉलमेंट पे या घर ले लें इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट लें ताकि वो जब यहाँ पर आए तो उनको एक कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट मिले अपने स्टे के लिए। तो हमारे जो ओवरसीज के क्लाइंट होते हैं ज्यादातर रेजिडेंशियल में डील करते हैं। अच्छा, जो आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी को मजीद इंकरेजमेंट देने के लिए आप रियल स्टेट सेक्टर के अंदर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसको क्या कहते हैं उस तरफ भी हम मजीद ले सकते हैं या उनको मोटिवेट कर सकते हैं अपने रियल स्टेट सेक्टर में, कोई ऐसा प्लान आपके ख्याल में कोई ऐसी तजवीज या कोई ऐसी चीज जिससे हम मजीद या एक्सपोज ज्यादा करें या किस तरह के हम ज्यादा अपने क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा एक्सपोज भी एक बुनियादी टूल बनता जा रहा है रियल स्टेट मार्केटिंग का, तो उन्हें ज्यादा ताकि उनका कॉन्फिडेंस क्योंकि पहले तो ये होता था कि प्राइवेट सोसाइटीज लेते थे और उनके जगहों पे प्लॉट्स पर कब्जे हो जाते थे, लेकिन अब हम मजीद अब मैं ये देख रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल अब बहुत बेटर होता जा रहा है और उनके केसेस भी अब सॉल्व आउट होते जा रहे हैं और जो प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल के ऊपर भी जब आप अपनी शिकायत करते हैं तो वहां से भी हमने क्विक एक्शन होते हुए देखा है, तो किस तरह मजीद हम उन्हें इनकरेज कर सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी को? इस वक्त गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव स्टार्ट किए कि इन्होंने प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन के लिए यहाँ इस्लामाबाद से स्टार्ट हुआ है एक समझे के मॉडल वेरिफिकेशन सेंटर यहाँ से स्टार्ट को सिटीजन सेंटर उसको बोलते हैं। वो जो है ना वहां पर आप जाते हैं तो वो एक ऑफिस सीडीए ने इस्लामाबाद मतलब डिप्टी कमिश्नर एक ऑफिस बनाया हुआ है लोगों को असिस्ट करने के लिए। आपने प्राइवेट सोसाइटी में प्लॉट लेना है या आपने सीडीए में लेना है आपकी इसकी वेरिफिकेशन जो है ना वो उस ऑफिस में हो जाती है। तो ये जो बाहर से लोग आते हैं ना उनको फिर ये नहीं होता कि आया इस सोसाइटी का एनओसी है या नहीं ये प्लॉट मौजूद है या नहीं। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि ओवरसीज को इनकरेज करने के लिए उन्हें इस तरह के इकदाम किए और उससे जो है ना वो काफी ओवरसीज को कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ है और वो इनकरेज भी हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो तो आप उनको करनी चाहिए जहां पर एनओसीज हो या पोजीशन हो एटलीस्ट एनओसीज। यहाँ पर एक्चुअली बेड लकीली ये है कि पाकिस्तान में मतलब ओवरऑल बहुत सी सोसाइटीज ऐसी है जिनके पास पोजीशन होता है मतलब ग्राउंड के ऊपर वो प्लॉट भी देते हैं आपको पोजीशन भी देते हैं आप घर भी बनाते हैं लेकिन जब आप एनओसी स्टेटस चेक करते हैं तो उनका एनओसी प्रोसेस में होता है अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता। ये थोड़ा सा फ्लॉज है लॉ के ना जो बायलॉज है ना गवर्नमेंट के तो वो अभी तक एड्रेस नहीं हुए लेकिन एटलीस्ट जो है ना वो आपको उसके लीगल स्टेटस के बारे में बता सकते हैं कि प्लॉट यहाँ पर है भी कि नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ही अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अपने आप हवाले से बताना चाहें स्काई मार्केटिंग के या सेट कैसल के तो जरूर वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के साथ। जी हमारे तो इस तरह होते हैं कि हम लोग मार्केटिंग का भी काम करते हैं और एज ए कंस्ट्रक्शन एज ए बिल्डर भी काम करते हैं ना। स्टेट कैसल जो है ना वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी बनाई है और स्काई स्टार मार्केटिंग जो है ना मार्केटिंग। तो हम लोग डिफरेंट सोसाइटीज के साथ एग्रीमेंट्स करते हैं जस्ट फॉर मार्केटिंग। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि हम ये ओवरसीज को बता सकते हैं कि एक सोसाइटी हम लोगों ने ICHS सोसाइटी उसके साथ हमारा है ग्रेस डेंट सोसाइटी सबसे जो अच्छी सोसाइटी इस वक्त लो कास्ट सोसाइटी ना वो ग्रेस डेंट सोसाइटी है। ग्रेस डेंट जो है ना ये फतेह जंग रोड के ऊपर है न्यू एयरपोर्ट के नजदीक है और लो कास्ट है तकरीबन 3 to 5 million 5 मरले का प्लॉट है इंस्टॉलमेंट में कैश पर भी मिल सकता है इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है और आपको पोजिशन भी मिलता है। हम लोग लो कास्ट से लेके हाई कास्ट तक सारी डील्स करते हैं जैसे F6, 7, 8 में किसी को घर बनाना हो वो भी करते हैं जैसे कमर्शियल बिल्डिंग में हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग भी कर बनाते हैं मतलब इन्वेस्टर्स को भी असिस्ट करते हैं और जेन्युइन क्लाइंट्स को भी। तो प्रोजेक्ट्स हमारे B17 में भी टावर के हैं मतलब B17 में टावर बना रहे जा रहे हैं अभी उसके मैप्स बन रहे हैं और इस तरह ये गेस्ट सोसाइटी लो का स्कीम है उसमें प्लॉट्स बेच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आज आपने हमारे पहला जो शो था प्रॉपर्टी टॉक एशियन ट्रेड टीवी के ऊपर
आपने उसमें हमें ज्वाइन इन भी किया और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम के हवाले से हो आपने दी, या कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो, या मार्केटिंग के हवाले से हो, एस्पेक्ट्स को हमने आज पहली अपने पहले शो के आप हमारे गेस्ट रहे। अगर कोई क्वेश्चन जो हम हमारी ऑडियंस भी आपसे करना चाहे तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के तवसुत से भी जरूर हम आपको एक बार फिर इनवाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर शाह साहब, सीईओ स्टेट के। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप इस प्रोग्राम के तवसुत से अपने प्राइम मिनिस्टर को जी। वो ये कि जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है ना, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो एक तो 40+ इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, दूसरे जो जॉब क्रिएशन के लिए जो ना सबसे जो बैकबोन है ना वो रियल स्टेट है पाकिस्तान में। तो इसके लिए जितने भी ज्यादा इकदाम अगर गवर्नमेंट करे ना तो उतना ही यहाँ पर रोजगार के मसले हो सकते हैं, ओवरसीज को घर मिल सकते हैं, यहाँ पर गरीबों को घर मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी रिसेंटली जो ये जो सीमेंट और स्टील की प्राइस बढ़ी है ना, उससे जो ना ये और ये जो टैक्स के रिवाइज हो रहे हैं, मतलब इन्होंने पहले एमएनएसटी निकाली थी तो उसमें वो टैक्स वेव कर दिया था, अब वो टैक्स जो रिवाइज हो रहा है और जो स्टील और सीमेंट की प्राइस बढ़ी, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि रियल स्टेट जो रियल स्टेट इंडस्ट्री को पॉज लगा सकते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि आप इस इंडस्ट्री को और बूस्ट देने के लिए मजीद मतलब एक इंसेंटिव दे, बजाय इसके कि आप जो दिए गए इंसेंटिव वापस दे रहे, ताकि इससे जो ना आपका पैसा भी बाहर से आ जाए, मतलब जितने भी ओवरसीज वाले हैं वो आपको रेमिटेंस भेजते हैं तो इन्वेस्ट वो रियल स्टेट में ही करते हैं। अब अगर जैसे मैं एक बिल्डर हूं, मैं अगर लेट से एक बिल्डिंग बनाता हूं और मेरी कॉस्ट जो है ना वो सेल से ज्यादा हो जाए या उसके बराबर, या मेरा मार्जिन इतना हो कि मुझे सूट नहीं करे वो प्रोजेक्ट, तो मैं वो प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, तो इस तरह दूसरा बंदा भी नहीं करेगा, तो ये इंडस्ट्री जो है ना ये रुक जाएगी, ये प्रोग्रेस जो है ना रुक जाएगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर से स्पेशली कि इस इंडस्ट्री के ऊपर स्पेशल फोकस करें और जितने भी इंसेंटिव आपने दिए थे वो वापस न लें, बल्कि स्टील और सीमेंट की प्राइस को सब्सिडाइज करें ताकि बिल्डर ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन करें और लोग ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके रेमिटेंसेस यहाँ पर भेजें। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बहुत ही अहम और आपने मैसेज दे दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि 40 इंडस्ट्रियां इस वक्त कनेक्टेड हैं रियल स्टेट सेक्टर के साथ, और जो स्टील की और सीमेंट की बोरी की प्राइसेस है उसकी, अगर वो पहले 300 थी कि 750 की आपने बताया, तो उससे भी बहुत ज्यादा काम जो है इन्वेस्टमेंट रुक सकती है पाकिस्तान से भी और ओवरसीज कम्युनिटी की जानिब से भी। तो प्लीज उसे सब्सिडाइज किया जाए, और जो टैक्स आप लगाना चाह रहे हैं उसकी पॉलिसी को भी एक बार जरूर देखें, क्योंकि रियल स्टेट सेक्टर के साथ 40 और इंडस्ट्रियां भी जुड़ी हुई हैं, और इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज का प्रोसेस जो तेज हुआ है वो स्लो भी हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने हमें, आमिर शाह साहब आपने हमें ज्वाइन किया, इंशाल्लाह ताला जरूर दोबारा आपको ज़हमत देंगे हमारे शो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, पॉजिटिव और लिबरल और पीसफुल इमेज को उजागर किया जाए और पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर को सपोर्ट कर सके हम इस शो के तवसुत से। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर हमें पोस्ट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीक फिर किसी और गेस्ट के साथ, अहम गेस्ट के साथ, मार्केटिंग और प्रॉपर्टी के तमाम एस्पेक्ट्स, चाहे वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी हो या रियल स्टेट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हो, तमाम आपको इन्फॉर्मेशन इस शो के जरिए मिलते रहेंगे। तो जरूर अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। साइनिंग ऑफ योर होस्ट हम्माद महमूद, प्रॉपर्टी टॉक विद हम्माद महमूद, ओनली ऑन एशियन ट्रेड टीवी एवरी सैटरडे 9 PM। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।